मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। आपके सामने ये अकाउंट है, इस अकाउंट की पहली 3 वीडियो को गौर से देखें। इसमें 2 वीडियो वायरल हुई हैं और पहली जो वीडियो थी वो वायरल नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, उसकी क्या वजह है? और जो 2 लास्ट ऊपर अपलोड हुई हैं वो वायरल हो गई हैं, वो क्यों हुई हैं? तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब प्रैक्टिकली दूंगा और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से दूंगा। ये बिल्कुल नया और फ्रेश अकाउंट है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं है, ना ही ये अकाउंट डेड है और ना ही इसके ऊपर किस तरह का कोई इशू है, रिपोर्टिंग वगैरह का कोई भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। आपके साथ क्या मसला आ रहा है? आपके साथ यही मसला आ रहा है ना कि आप वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके बाद आपको व्यूज़ या तो बिल्कुल आते नहीं हैं, 2-3 आ गए तो आ गए, या आपके पास आते हैं 50 से 100 तक, या 100 से 200 तक, या 200 से ज़्यादा 500 तक, 700 तक इतने व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। इसके बाद अकाउंट रुक जाता है और वो वीडियो होती है पुश अप डाउन हो जाती है, बिल्कुल उस पर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। आपने यहाँ पर 3 बातों को गौर से सुनना है और उन पर अमल भी करना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल नए फ्रेश अकाउंट की बात करने जा रहा हूँ और जो पुराना अकाउंट होता है उसकी बात मैं बाद में करूँगा, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। जब नए अकाउंट पर वीडियो अपलोड हो जाती है तो टिकटॉक वीडियो लोगों में भेजता है ताकि वो फैसला कर सके कि इस वीडियो को किस पोर्शन में चलाना चाहिए, ये वीडियो है किस तरह की, लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ये टिकटॉक एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि वो आपकी वीडियो कितने लोगों में भेज के ये फैसला करता है कि ये वीडियो किस तरह की है और इसे किस पोर्शन में चलाना चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ की वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप इस तरह का किरदार करते हैं जिसके मुताबिक गाना नहीं होता अच्छा, या आप किसी पोएट्री वगैरह पे काम करते हैं, किसी पोएट्री पे तो आप पोएट्री अपलोड करते हैं, अगर पोएट्री होती है सैड टाइप, उदास टाइप की, तो आप उसके ऊपर कोई फ़नी गाना लगा देते हैं, या फिर अगर पोएट्री होती है फ़नी टाइप तो उसके ऊपर आप कोई सीरियस गाना लगा देते हैं। जब वीडियो किसी भी इंसान के सामने जाती है तो वो वीडियो को देखता है और उसके कानों में गाने की आवाज़ जाती है और वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती तो वो आपकी वीडियो को आगे भेज देता है, फिर वो नेक्स्ट वीडियो पे चला जाता है। यूं करके टिकटॉक आपकी वीडियो को 10, 15, 20, 50, 100 लोगों में भेजता है और कंपैरिजन करता है कि ये वीडियो किस तरह की है। अगर लोग उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, उस वीडियो के ऊपर नहीं ठहर रहे, उस वीडियो को मुकम्मल नहीं देख रहे हैं, वो उसको आगे भेज रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जा रहे हैं, तो वीडियो का जो वॉच टाइम होता है वो बिल्कुल 0 पे आ जाता है। फिर इस तरह से टिकटॉक फैसला नहीं कर पाता कि इस वीडियो के साथ क्या करना चाहिए, इसे किस पोर्शन में भेजना चाहिए, वो कुछ देर के लिए उस वीडियो को रोक देता है, फिर आपकी वीडियो कुछ देर के लिए उन लोगों के पास भेजता है जो फ़नी देख रहे होते हैं, अगर वो पहले वीडियो सीरियस लोगों में भेजता है। अब जब फ़नी लोग जो देख रहे होते हैं उनके पास जाती है वीडियो, वो लोग भी उस वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो टिकटॉक फिर आपकी वीडियो को आगे भेजने के अलावा पुश अप डाउन कर देता है, उस पर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं और वो अकाउंट में जाके बस रुक जाती है। ये हो गया एक मसला जिसमें गाना और जो तस्वीर वगैरह होती है उसके रिलेटेड अट्रैक्शन है या नहीं। इसके बाद आ जाती है दूसरी बात कि गाना भी ठीक है और उसके मुताबिक तस्वीर भी है या वीडियो भी है, उसके बावजूद भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तब क्या मसला है? अब ऐसी क्या बात है कि फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, सब कुछ तो ठीक है। अब बात आ जाती है कंटेंट किस तरह का है, आपने कंटेंट किस तरह का बनाया है, ये रीयूज्ड कंटेंट है जो ऑलरेडी पहले से अपलोड शुदा है टिकटॉक के ऊपर, या फिर ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर कॉपीराइट है, या कोई ऐसा कंटेंट है जिसको अपलोड करने की परमिशन उसका ऑनर नहीं दे रहा। तो आपको कोई ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑलरेडी पहले टिकटॉक के ऊपर मौजूद ना हो, क्योंकि आपके अकाउंट पर पहले बहुत मसला आ चुका है, उसके बाद आपको इस तरह का कंटेंट नहीं अपलोड करना चाहिए। आपका कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और आपके हर मसले का हल बताऊंगा।